नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे रशिया यूक्रेन युद्ध की और इस युद्ध में जो सबसे बड़ी डराने वाली और हैरान करने वाली खबर है कि क्या इस युद्ध में अब परमाणु बम का इस्तेमाल होने जा रहा है। क्यों हम ये बात कह रहे हैं आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे। सबसे पहले खबर बताते हैं, सबसे पहले खबर क्या है कि यूएन वॉचडॉग जो है, जो न्यूक्लियर कार्यक्रम पर नजर रखती है, उसने अपनी एक आपातकालीन मीटिंग बुला ली है। इसके अलावा जो फ्रांस है वो डर रहा है कि जो रशिया है वो कहीं बेलारूस से यूक्रेन पर परमाणु हमला ना कर दे। यूके डर रहा है, यूके लगातार दावा कर रहा है और क्या कुछ कहा जा रहा है ये सब कुछ हम आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं फटाफट। तो खबर ये है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दावा किया है कि बेलारूस के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उनसे उन्होंने बात की है और वो रूस की मदद ना करने को उन्होंने कहा है। साथ ही रूस के परमाणु हमले तैनात करने के लिए अपने देश में स्वीकृति ना देने की बात कही है। वहीं बेलारूस के राष्ट्रपति जो हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ फोन पर हुई बातचीत में अपने देश में परमाणु हथियारों की तैनाती की आशंका को खारिज किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लुकाशेंको इस तरह की अटकलों को फेक कह रहे हैं। लुकाशेंको ने कहा है कि जब तक कोई भी बेलारूस के लोगों का गला नहीं घोटने की कोशिश करता तब तक न केवल परमाणु हथियार बल्कि पारंपरिक हथियारों का भी इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने बेलारूस के राष्ट्रपति से कहा था कि वो जल्द ही रूसी सैनिकों को बेलारूस की धरती छोड़ने का आदेश दें। उन्होंने ये भी दावा किया था कि मॉस्को को बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की इजाजत दी है। वहीं जो एजेंसीज हैं उनके मुताबिक एक वरिष्ठ अमेरिकी रक्षा अधिकारी का कहना था कि यूक्रेन पर हमले के बीच बेलारूस को रूस एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी यूक्रेन की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है और तमाम देशों से यूक्रेन को हथियार दिए जा रहे हैं। ब्रिटिश अखबार मिरर के मुताबिक रक्षा विभाग के सूत्र ने इस बात की जानकारी दी थी कि राष्ट्रपति पुतिन ने फादर ऑफ ऑल बॉम्ब के इस्तेमाल का आदेश दिया हुआ है। वहीं एक आशंका यह भी जताई जा रही थी कि अगर रूस ने तिसार बॉम्बा जैसे बड़े न्यूक्लियर बम इस्तेमाल किए तो इसके नतीजे विनाशकारी हो सकते हैं। तिसार बॉम्बा की जो डिजाइन है वो सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के समय हुई थी। ये सोवियत संघ द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा बम था। तो ऐसे में जिस तरीके से एक तरफ घनघोर बमबारी गोलीबारी चल रही है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो वहीं दूसरी तरफ पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं और अब परमाणु हमले का जो डर सता रहा है वो वाकई में डर बहुत बहुत बड़ा है। और ऐसे में जो भी अपडेट होगा भारत तक आपको सबसे पहले बता रहा है, दिखा रहा है पूरी सटीकता के साथ, जिम्मेदारी के साथ वॉर के मामले में रिपोर्टिंग कर रहा है और आगे भी इस मामले में जो अपडेट होगा वो भी हम आपको बताएंगे। देखते रहिए भारत तक।